ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। उनके जाने के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार डाबाडोल हो गई है। कांग्रेस के लिए एक के बाद एक आ रही बुरी खबरों के बीच बिहार से बुरी खबर आ सकती है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है जेडीयू नेता अशोक चौधरी का। अशोक चौधरी ने दावा किया है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के भीतर घमासान मचा हुआ है, वैसे ही अब बिहार में भी कांग्रेस में टूट होगी। अब कांग्रेस को खुद लग रहा है कि आरजेडी के साथ रहकर चुनाव नहीं जीत सकते, तो अब बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता चुनाव से पहले अपना पाला बदलकर जेडीयू में आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के हालातों से चिंतित कांग्रेस को अशोक चौधरी और चिंता में डालने की कोशिशों में जुटे हैं। अशोक चौधरी ने आगे कहा कि बिहार कांग्रेस अब आरजेडी के गिरवी हो गई है और आरजेडी अब राज्यसभा की एक सीट का वादा करने के बाद भी नहीं दे सकती, तो कांग्रेस के विधायक साथ में रहकर क्या करेंगे। जेडीयू नेता अशोक चौधरी को जवाब देने की जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने जवाब देते हुए कहा है कि बिहार कांग्रेस में किसी भी प्रकार की टूट नहीं होने जा रही। उन्होंने कहा कि जेडीयू नेता अशोक चौधरी कांग्रेस में जिस टूट का दावा कर रहे हैं वो उनका महज राजनीतिक बयान के सिवा कुछ नहीं। बिहार कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। बीजेपी और जेडीयू बिहार के एनडीए गठबंधन में सहयोगी हैं, इसलिए बीजेपी ने भी जेडीयू के सुर में सुर मिलाया। बिहार बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस में टूट अब निश्चित है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अब अपने युवराज के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस में युवाओं को मौका भी नहीं दिया जाता, ऐसे में भला कोई क्यों कांग्रेस के साथ रहना चाहेगा। आने वाले दिनों में कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी में शामिल होंगे जबकि कुछ जेडीयू में जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के घटनाक्रम में बेशक कांग्रेस थोड़ा पीछे नजर आ रही है, लेकिन बिहार के वाक युद्ध में कांग्रेस बीजेपी से पीछे नहीं रहना चाहती है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि बीजेपी की राजनीतिक संस्कृति ही ऐसी है कि वो जनता के भरोसे पर नहीं बल्कि पैसे के बल में सत्ता में रहना चाहती है। बिहार कांग्रेस का हर विधायक एकजुट है, जो भी कोशिश करना चाहेगा उसे सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। जिस तरह एनडीए के सहयोगी दल सुर में सुर मिलाते नजर आए, ठीक इसी तरह बिहार में महागठबंधन के सहयोगी आरजेडी ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर बीजेपी और जेडीयू हमारे दो नेता को तोड़ेंगे तो हम उनके 20 नेताओं को अपने साथ ले आएंगे। महागठबंधन में एनडीए से ज्यादा एकजुटता है और बीजेपी की जो स्थिति झारखंड और महाराष्ट्र में हुई है वही नतीजा बिहार में भी होने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के साल में नेताओं की जुबानी जंग धीरे धीरे तीखी होती जा रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा किससे किसको खतरा ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।